बीजेपी और कांग्रेस के बीच खेले जा रहे 5 एक दिवसीय मैच में बीजेपी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। नरेंद्र मोदी जा रहा क्रीज पर बैटिंग करने के लिए, राहुल गांधी का पहला बॉल नरेंद्र मोदी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जिन भाई बहन को नाराजगी जाहिर हम नहीं कर रहे हैं सर, हमारा पेट कर रहा है नाराजगी सर, हम क्या करें, अमीर के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास रोजगार नहीं है, 15 लाख का कोई हिसाब नहीं है, सरकार कर क्या रहा, मुझे जवाब चाहिए, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप सब सर, एक बात बताइए सर, हम तो कहते हैं अरे मीडिया वालों मोदी जी से कह दो, अरे मीडिया वाले मोदी जी से कह दो, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तकते ना जाने कहां से ये मजदूर अजीब आ गया है, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान, आप महल में खा रहे मशरूम और गरीब को दे रहे 5 किलो गेहूं, पूरे हिंदुस्तान में ढोल पीट रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन, अरे लाखों भाई बहन है हम सब, टेंशन अब किस बात का, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं, प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश का, हमारे मोदी जी तो चाय बेचता, प्रधानमंत्री कहां से आ गया, आप बताइए, जब मोदी जी चाय बेचता है तो हमारे देश का आप क्या करते हैं, पानी बेचते हैं, कोको कोला मिला करके, सचिन तेंदुलकर से पूछ लीजिए, कोको कोला बनाकर बेच रहे हैं ना हमारे देश का पानी, मोदी जाए सिनेमा देखे, योगी टिकट कटावे ला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावे ला, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। सर पप्पू कौन बताता है, अभी भारत जोड़ो पद यात्रा निकाल करके दिखा दिया, आंखें तो खुल गया होगा ना, आंखें तो खुल गया ना, राहुल गांधी प्रेम के गली से भारत जोड़ो पद यात्रा को हम सब मिलकर के निकाले हैं, दिल मिले न मिले तिरंगा जरूर खिल गया है, याद रख लीजिए, बेईमान किसे कर रहे हैं, बेईमान बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, पुलिस प्रशासन कमजोर है, आप खाए थाली में, गरीब को दिए प्याली में, प्याली गया टूट, गरीब गया रोष, नया प्याली मंगाएंगे, गरीब को मनाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को चलाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा, अब की बार राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरा जन्मदिन हम मनाएंगे, जन्मदिन मुबारक हो, हाथ उठा के अभी वादन करो, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेंगे, अब की बार जो माँ हमको जन्म दिया उस माँ का गोद खुशहाल रहा, जो माँ हमको पाला है उस माँ का संविधान रहा, संविधान के सम्मान में हम भी है हिंदुस्तान के मैदान में। कोई चला रहे महाराज, कौन चला रहा देश, मोदी जी चला रहे हैं, मोदी जी देश चला रहा है तो सरकार कौन चला रहा है सर, मोदी जी देश चला रहा है तो सरकार कौन चला रहा है, सरकार भी चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, बेटी हम बचाते हैं, बेटी हम पढ़ाते हैं, रिश्ते ढूंढ आते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं, समाज में शर्माते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो भारत जोड़ो पद यात्रा में जुड़ जाते हैं, और मोदी जी डीजल पेट्रोल स्मृति ईरानी गैस के दाम बढ़ाते हैं, मोदी जी डीजल पेट्रोल और स्मृति ईरानी गैस के दाम बढ़ाते हैं, गैस के दाम बढ़ाते हैं, अमित शाह सदन में बैठे हुआ रहता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं, और अपने कहते हैं हम है गृह मंत्री, काबिलियत है तभी तो बने बैठे हैं, आप क्यों नहीं बने फिर बताइए, हाँ जी सर काबिलियत है उनमें, किसमें काबिलियत है, अमित शाह के बेटे में, अमित शाह के बेटे में इंटरव्यू दे करके पास कर गया या पढ़ लिख करके पास किया है, पढ़े लिखे नहीं है वो, आप ही बताओगे ना, जब कह रहे हो बन गया है तो कैसे बन गया, इंटरव्यू दे के बन गया है कि स्कूल में पेपर दे के बना है, स्पीच देते हैं आप, पढ़े लिखे नहीं है तो हम भी देते हैं सर, आई एम सॉरी दिस इज प्लेन ऑफ इंडिया, स्टैंड अप ऑन द बेंच, इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद मोदी जी से बात करें, तब तक के लिए नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचार, बीजेपी और कांग्रेस के बीच खेले जा रहे 5 एक दिवसीय मैच में बीजेपी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, नरेंद्र मोदी जा रहा क्रीज पर बैटिंग करने के लिए, राहुल गांधी का पहला बॉल नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी ने ड्राइव किया लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला, वहां पे खड़ा था अरविंद केजरीवाल ने बॉल उठाया सीधे बॉलर के पास भेज दिया, राहुल गांधी का दूसरा बॉल नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने मारा गेंद बाउंड्री के बाहर, अमित शाह का इशारा, यूबीएसएनएल चौका, डिजिटल इंडिया, इसी 4 रन के साथ बीजेपी का स्कोर हुआ 274 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जिन भाई बहन को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा। ये 15 लाख के चक्कर में दिल्ली आए हो क्या भाई? सर 15 लाख के चक्कर में दिल्ली क्यों नहीं आएंगे आप बताओ? ना तो हमारे बिहार में काम मिलता है, ना तो दिल्ली में काम मिलता है, और खुद ही मशरूम खा रहे हैं, गरीब को 5 किलो गेहूं दे रहा है। बताइए ऐसे कारोबार चलेगा? सरकार में 5 किलो अनाज भी मिल रहा, पिछले में तो वो भी नहीं था। कौन कहता है नहीं था? कौन कहता? 70 साल से क्या, 70 साल से क्या मोदी जी 5 किलो गेहूं दे रहा था, अनाज दे रहा था? किसान को उपजा हुआ दे रहे हो, लेकिन विदेश से उपजा हुआ महंगा करके दे रहे हो। हम तो कहते हैं सूरज और चांद से है रिश्ता, सूरज और चांद से है रिश्ता, झिलमिल सितारा किसका है, हिंदू मुसलमान से है रिश्ता, गीता कुरान किसका है, बुलडोजर बाबा हो पुरान हो ले हमरो मनो कयास, परबल बेची बेची घरो चले लिया है, अब मजदूरी करी करी बेटी पढ़े लिया है, तैयो नहीं कैले विश्वास, बुलडोजर बाबा हो पुरान हो ले हमरो मनो कयास। बिहार में तो नीतीश की सरकार है, वहाँ बीजेपी का है। आए दिन बाहर के पीएम बने बिहार के लालू नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार के, समझ गए ना? अच्छा पठान मूवी जो आई है देखी आपने? हाँ देखी है सर, देखी है। अब बोला बेरोजगार पैसा कहाँ से आया इतना? पैसा कहाँ से आया है, ये तो सर मोदी जी अपना चाल खेल रहा है ना 2024 के लिए। ये 24 अभी पठान चला गया, पठान हिट हो गया, अब आ गया अडानी पे, फिर आ जाएगा बाबा रामदेव पे, ये ऐसे करते करते 2024 को ले जाएगा, 2024 में ईवीएम से नहीं घबराएगा, ईवीएम में ही समाएगा और आगे कोई रास्ता है। महंगाई बेरोजगारी जब पठान हिट हो रही है तो कहाँ है महंगाई बेरोजगारी? पठान हिट हो रही है, कहाँ है महंगाई बेरोजगारी? हिट कैसे हो रहा, हिट कैसे हो रहा? जा रहे हो आप, कह रहे हो महंगाई बेरोजगारी है। अरे सर हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, सभी को रोजगार तो मिल रहा है ना, बोलने के लिए मीडिया वाले तो मौज आ ही गया है ना, पठान पे बहस करने के लिए, अडानी पे बहस करने के लिए, बाबा रामदेव पे बहस करने के लिए, ये सब तो आपको मुद्दा दे दिया ना मोदी जी। आपको दिक्कत क्या है ये बताइए? हाँ जी दिक्कत क्या है मोदी जी से बताइए। मोदी जी से दिक्कत क्या है? मोदी जी हमारा घर तोड़ दिया है सर, हमारा घर तोड़ दिया है, हमारा लोन का किस्त टूट गया, बताइए कौन भरेगा? जब तो नोटबंदी कैले काला धन अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आ गए रे, पाप धोले गंगा जी में डुबकी खूब लगेले रे, डुबकी खूब लगाए कि नहीं लगाए अब बताइए? डुबकी लगाए कि नहीं लगाए? किसके लिए लगाए? राम के लिए लगाए, सीता के लिए लगाए, लक्ष्मण के लिए लगाए, किसके लिए लगाए डुबकी अब बताइए? मंदिर बनना है भाई, देश विकास कर रहा है, किसके लिए राम मंदिर बना रहे हैं सर? किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए, हमारे लिए क्यों बना रहे? आप सबके लिए नहीं बना रहा है ये बताइए? सबके सबके लिए बन रहा है तो सबको लाइन में खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा ना? राम मंदिर तो आपने बनवा दिए, सही बात है, आप तो बात मान गए, लेकिन राम मंदिर आप बनवाए हो तो राम मंदिर में लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा ना? जैसे लॉकडाउन किए थे तो लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी किए थे तो लाइन में लगना पड़ा, ये सब में तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सर। आप तो बनाया, बहुत अच्छा किया राम मंदिर बनाए, लेकिन हमारे किस काम के? हमारे रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, बाल बच्चे खाएंगे कमाएंगे, मुर्गा मछली खाएंगे, दूध से नहाएंगे, याद रख मिलाएंगे, समाज को बचाएंगे, देश को चलाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेंगे। तभी तो कह रहा हूँ सर, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, हर चीज महंगा है, तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? आप, हम तो 200 रुपए के दिहाड़ी कमाने वाले हैं, कभी मिलता है काम कभी नहीं मिलता है, इसमें हम कैसे क्या करेंगे? और इसके बीच में बाल बच्चे लाहारी बीमारी दुनिया भर का, हाँ सही कह रहे हो, आलू बैगन सस्ता है, डीजल पेट्रोल महंगा है, जियो वाला रिचार्ज कराओ, अब मोदी जी का पोस्टर लगाओ, पोस्टर पर ही लिख कर बताओ, पोस्टर पर लिख कर बताओ, जियो वाला रिचार्ज कराओ, बुलडोजर वाला बाबा के बुलाओ, आलू बैगन सस्ता है, डीजल पेट्रोल महंगा है। हम प्रवासी नहीं इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहता है उस देश में पानी और विधायक बहता है। घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, तो क्या करोगे बताओ? किसके लिए बीवी बाल बच्चा छोड़ दिया? हमारे लिए? क्या हमारे पास बीवी बाल बच्चा नहीं है?